टारी बस स्टैंड पर भाजपा नेता सुनील आर्य के प्रतिष्ठान पर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस एवं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में पहुंचे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और विधानसभा के प्रभारी डॉ. विशेष गुप्ता ने भी अपने विचार रखे और कहा कि सभी को बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने छुआछूत खत्म कर समाज को शिक्षित बनाकर एक नए भारत की रचना की थी। हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार मिशन शक्ति अभियान के तहत सभी महिलाओं और बेटियों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक कर रही है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं एवं नगर बिलारी में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष माननीय दर्जा मंत्री डॉ. विशेष गुप्ता का बिलारी विधानसभा का प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रथम बार आगमन पर भाजपा कार्यालय आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। ऋषिपाल सिंह, सुरेश सैनी, परमेश्वर लाल सैनी, लवली यादव, नीलेश यादव, चंद्रपाल सैनी, के गुप्ता, अवनीश चौधरी, आदित्य शाक्य, मनोज ठाकुर, अजय ठाकुर, दीपक यादव, दिनेश शर्मा, प्रशांत अग्रवाल, विशाल प्रजापति, सुनील आर्य, देवदत्त दिवाकर, हरिओम सैनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और इस दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान 1949 में बना, जो 1951 में लागू हुआ, ऐसे संविधान के प्रति हम नमन करते हैं जिसने सामाजिक साम्यता, भ्रातृत्व, सभी लोगों को साथ लाने का काम, उनको अधिकार दिलाने का काम, उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम, समाज के आखिरी छोर वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको सबको मुख्य धारा के साथ लाने का काम किया है। ऐसे इस परिनिर्माण के सब्जियों के लिए हम लोग अडिग रहकर अपने अधिकार हमें स्वामी मिल जाते हैं उसके साथ में, इसलिए ऐसे परिनिर्माण दिवस पर हम ऐसी महान और पुण्य आत्मा को, संविधान निर्माता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।